सत श्री अकाल, मैं राजविंदर कौर हाजिर हाँ सियासी हलचल लेके। गल करांगे अज राजनीति विच की रहा खास। जिमें कि असीं सब जानते ही हाँ कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान नूं बदलन की मांग नूं लैके नाराज चल रहे वख होए टकसाली आगू श्री अकाल तख्त साहिब से खिमा याचना करन लई पहुंचे। तड़के ही श्री अकाल तख्त साहिब से कतर होए अकाली आगुआं वलों श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नाल मुलाकात करके अकाली सरकार समय हुई भुलां गलतियां लई आजी दी गई। इस दौरान प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा का कहना है कि असी पहला मुआफ़ी मंगांगे फिर अगे वधांगे। उन्हें कहा कि असी बागी नहीं हाँ, बागी वह ग्रुप है जिहड़ा अकाली दल नूं कमजोर कर रहा। सुखबीर बादल ने विधि विधान नूं नहीं मन्निया। उन्हें कहा कि असी खिमा याचिका लई आए हाँ, जो गलतियां हुई ने उस लई अर्जी देण आए। असी श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं अपनियां गलतियां संबंधी अर्जी देवांगे ते अगला फैसला श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने ही करना है। उन्हें कहा कि पंथ पार्टी तो नाराज है, इसलिए खिमा मंगांगे। इस तों बाद श्रोमणी अकाली दल नूं तकड़ा करन लई विद्वानां कोल भी जावांगे ते असी मुआफ़ी लैके ही अगे वधांगे। जे श्री अकाल तख्त साहब से हाजिर होकर पिछलियां गुनाहां की माफ़ी मंगना भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी का एजेंट होना तो उन्होंने मुबारक है जिहड़े कहने वाले आ। पर श्री अकाल तख्त साहब से माफ़ी मंगन ते किसी नूं चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी नूं गलत मतलब इहदा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि श्रोमणी अकाली दल की मजबूती लई भी असी अरदास कीती आ कि पंथ की चढ़ती कला लई, पंथ की जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल की चढ़ती कला लई भी गुरु ते गुरु दा पंथ सानू बख्शे ते अगे नूं गुरु सानू समत बख्शे, ताकत बख्शे, ता कि पंथ दी जथेबंदी जिहड़ी अरश तों फरसे आ गई, जिहनूं बहुत वड्डा खोरा लग्गिया, साडे नाल गुरु भी नाराज़, गुरु दा पंथ भी नाराज़, और अज गुरु तों भी माफ़ी मंगण लई, गुरु दे पंथ तों भी माफ़ी मंगण लई असी इस महान पवित्र स्थान ते पहुंचे आ। एक जे असी पूरे पंथ की गल करते हैं तो अमृतपाल सिंह जी, भाई अमृतपाल सिंह उन्हों का सारा परिवार एक निखट्टा अंग है, सो उन्हां नाल गल करनी तो जिम्मेवारी बनती है। जे उसका उन्होंने नहीं गल की तो उसका असी भी नहीं करनी। असी तो सारे नाल गल करनी है, सारे नाल विचार चर्चा करनी है, सारे नूं नाल लेके चलना है, ये साड़ी कोशिश है। असीं बार बार कहा लेकिन साडे मुखी प्रधान साहब इस गल नूं जो नहीं मन्ने, हार के असीं फैसला किया कि असीं किन्नी क मार खाई जाना है, क्यों नहीं असीं अपने तख्त ते जाके माफ़ी मंगते। सो इस दे संबंध में असीं उन्हां भुल्लां लई माफ़ी मंगण आए हैं। तुहानूं असीं सारी जिहड़ी चिट्ठी दित्ती है वो असीं सिंह साहब ने साडे कोल लै ली है, स्वीकार करके रख ली है, कहिंदे वी असीं मैं पढ़ के ये तुहानूं असीं दस देंगे। असीं कहा सानूं जल्दी तो जल्दी बुलाया जाए ता जो साडे मन दा बोझ जिहड़ा वो उतर जाए। देखो ये बार बार ना क्या करो कि देर हो गई, असीं भी समझते हैं देर हुई, लेकिन सानूं डिसिप्लिन च रह के पार्टी दा हुक्म भी मनना पैंदा ते कुछ ना कुछ सुधार करन दी असीं बार बार कहिंदे रहे हैं। ऐसे दौरान श्री अकाल तख्त साहिब दे साबका जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी पहुंचे हुए सन। उन्होंने अकाली दल का प्रधान बनाने बारे भी चर्चा चल रही है। उन्होंने आख्या कि अकाली दल सिखां दी राष्ट्रीय जमात है, इसलिए आपस च बैठ के मसले का हल होना चाहिए। अकाली दल का दो फाड़ होना मंदभाग है ते इसका मिल के हल करना चाहिए। जिन्हें भी मतभेद है उन्होंने आपस के बैठ के सुलझाउण, पार्टी का दो फाड़ होना जिहड़ा है ये बहुत मंदभाग है, पार्टी दो फाड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिखां दी राष्ट्रीय जमात है, सिखां दी राशी जमात दे विच दफेड़ पैना जिहड़ा ये बहुत गलत गल है। मेरे तक अजे तक कोई अप्रोच जिहड़ी है उन्हां वल्लों नहीं की गई। जे समुची अकाली लीडरशिप जिहड़ी है कोई अप्रोच करती है फिर विचार किया जा सकता है, वरना ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਚਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ और पंजाब दे विच जिन्ना मर्जी समा जिहड़ा सिख नौजवानां दे उत्ते खास तौर दे उत्ते NSA वधाउणा चाहुण ते सरकारां जिहड़ियां वधाई जांदियां गैर कानूनी भी है। मैनूं भाई अमृतपाल सिंह नूं हुण लोकां ने MP भी चुणिया ते सरकार दा फर्ज बणदा है कि उहनां नूं जिहड़ा जल्द तों जल्द रिहा करे। सुखबीर बादल दा जिक्र हो रिहा वी प्रधानगी दे उत्तर जे लांभे करदे हो
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੇ ਵਾਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਕੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂ ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਖੜਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ NIA ने जेल च बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद नू 25 जुलाई नू संसद मेंबर वजों सौ चुकण लई अपनी सहमति दे दिती है वधीक सैशन जज चंद्रजीत सिंह ने इस ते फैसला सुनाउणगे दसदीए कि बारामूला तो सांसद रशीद नू जम्मू कश्मीर च अतवाद फंडिंग मामले च 2017 च गिरफ्तार किया गया सी उसने सौ चुकण ते अपने संसदी फर्जा नू निभाउण लई अंतरीम जमानत लई अदालत दा रुख किया सी इत्थों दी विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई 22 जून नू मुलतवी की सी ते NIA तो जवाब देश भर में अज तो 3 नवे अपराधी कानून लागू होए ने तिना कानूनों के लागू होने तो बाद भारत की न्याय प्रणाली में वड्डा बदलाव होने वाला है हुण तक देश में इंडियन पेनल कोड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ते इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 चल रहे सन पर हुण उन्हां दी जगह भारतीय न्याय संहिता भारतीय सिविल डिफेंस असिस्टेंस इंडियन एविडेंस एक्ट ने लै ली फिलहाल हर किसी के दिमाग च यही सवाल है कि तिना कानूनों के लागू होने तो बाद असल च की बदलाव होने वाला है शाह ने संसद भवन के कंपलैक्स मीडिया नूं संबोधन करदे कहा कि आखिरकार नवे कानूनों की लोड़ क्यों पई उन्होंने 3 नवे अपराधिक कानूनों नूं विस्थार नाल समझाया तुसीं वी सुनना गौर आज आप सभी को यहां देश में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 नए कानून आज से अमल में आ रहे हैं इसके लिए आप सभी को निमंत्रित किया है देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे दंड की जगह न्याय लेगा देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं अब इंडियन पिनल कोड जिसको IPC कहते थे 1860 से जो कानून था इसकी जगह BNS भारतीय न्याय संहिता आएगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको CRPC कहते थे जो 1898 से अमल में था इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS आएंगे और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू होगा तो BNS BNSS और BSA के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया
इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इसके ढेर सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही, इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी, इसको हटाकर नए प्रावधान किए गए हैं। उधर राहुल गांधी ने सदन विच भगवान शिव की तस्वीर दिखाई है, जिस तो बाद संसद विच राहुल दे बयान ते जबरदस्त हंगामा भी होया। अमित शाह ने कहा कि राहुल अपने बयान ले माफी मंगन हिंदू नू हिंसक समाज कहना गलत है। अमित शाह ने कहा कि इत्थे सारे हिंदू ने, राहुल ने हिंदुआ नू हिंसक कहा। राहुल दे बयान बदले पीएम मोदी भी खड़े हो गए। हिंदुस्तान के इतिहास में तीन फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। जस्ट गेट मी दैट पिक्चर ऑफ शिवा इनसाइड बिकॉज ऑफ इट। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा करकर इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता जी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को, हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना
और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है, आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला है। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपका आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ, आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। सो आई'ड लाइक टू स्टार्ट by showing an image of our refuge. Okay? Sir, Shivji ki photo nahi dikha sakte, sir? Ek minute, maanye sadasya. Sir, Shivji ki photo mana hai, sir? Ek minute. Sir, mana hai toh rakh deta hoon, sir. No, ek minute, please. Aapne sawal uthaya. Aapke maanye sadasya gan 353 ka niyam bata rahe the. 352 का नियम बताया? नो, प्लीज। नो, आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर जी। सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए, माननीय सदस्य सर, मना है या नहीं कोई भी चित्र को दिखाने के? तो शिव जी का चित्र इस सदन, इस हाउस में दिखाना मना है? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है, पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है, एवरीबॉडी नोज दिस। राजनीति नाल जुड़ी जानकारी लेके फिर तो रूबरू होवांगे, तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।